हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दीपक नाइट्राइट के बारे में। दीपक नाइट्राइट ने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर किया है। रिजल्ट इज नॉट दैट मच गुड। स्टॉक आज नीचे भी फिसला था, बट आफ्टर सम डाउनफॉल स्टॉक में शार्प रिकवरी भी हमने देखा। बट आपको स्टॉक को एट द मोमेंट नहीं लेना चाहिए क्योंकि परफॉर्मेंस इज नॉट दैट मच गुड। प्रेजेंट प्राइस 2000 के नीचे, जब तक ये 2000 के ऊपर का ब्रेकआउट नहीं देता तब तक टेक्निकल्स में देर इज नथिंग गुड एंड रिजल्ट भी उतने अच्छे नहीं है। इससे तो अच्छा SRF जिसका रिजल्ट भी अच्छा है, जो बहुत ही अच्छे लेवल पे मिल भी रहा है। हालांकि ड्यूरेबिलिटी वाइज स्टॉक इज वेरी गुड, वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है एंड मोमेंटम भी 50-50 है। सो ऐसा कुछ एट्रैक्टिव ट्रिगर इस पर्टिकुलर स्टॉक में एट दैट मोमेंट नहीं है जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर को अपनी तरफ इस स्टॉक को खींच सके। बट वन ऑफ द गुड स्टॉक इन केमिकल सेगमेंट, क्योंकि अगर हम सारे कंपनीज का एनालाइज करें सो ये वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है जो 3000 से 2000 के नीचे भी आया है। बट अगर हम इस स्टॉक का टेक्निकल देखें, सबसे इंपॉर्टेंट है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे स्टॉक ओवरसोल्ड। अगर हम इसका RSI MFI देखें, 62 इसका RSI है, MFI 76। अनफॉर्चुनेटली MFI में स्टॉक ओवर बॉट है क्योंकि 1700 तक ये स्टॉक फिसला था, वहां से निचले लेवल से स्टॉक में शॉर्ट टर्म रिकवरी आया बिफोर द रिजल्ट एंड मार्केट का भी अच्छा खासा रिकवरी हमने देखा है। बट ओवरऑल इस रेंज में स्टॉक अच्छा है, बट परफॉर्मेंस इज नॉट गुड। अगर परफॉर्मेंस अच्छा होता आज इस तक इस लेवल पे नहीं होता, ऑलमोस्ट 2200 के करीब हो जाता। बट डेफिनेटली क्रूड ऑयल का प्राइस हाइक होने के कारण भी इनके रॉ मटेरियल पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। एंड अगर हम आने वाले टाइम में परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करेंगे, बट ओवरऑल अगर हम देखें देर आर फार मोर बेटर कंपनीज आर देयर। अगर आपको एक ही स्टॉक के साथ जाना है, SRF इज द स्टॉक। इसी के साथ साथ PT Lite इज अनदर कंपनी जो मुझे अच्छा लगता है। ये दोनों स्टॉक पे आपका एलोकेशन होना चाहिए। जब तक दीपक नाइट्राइट का परफॉर्मेंस नहीं सुधरता टिल द नेक्स्ट क्वार्टर, आई डोंट थिंक सो एनीवन शुड बाय। हाँ, हालांकि अगर FII TI का बाइंग आता है स्टॉक ऊपर की तरफ भाग भी सकता है, बट फंडामेंटली स्टॉक इज नॉट गुड एट ऑल। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज को देखें, जो कि टेक्निकल एनालिस्ट के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, जहाँ पे हम 100-200 सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज को देखते हैं। सो 100 सिंपल मूविंग एवरेज 2000 के करीब है, एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज 1970 है, 200 सिंपल मूविंग एवरेज 2157 एंड 200 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज 2160। दैट इज सेइंग दैट 2000 के नीचे कुछ भी अच्छा नहीं है। जब कोई स्टॉक सारे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज के ऊपर जाकर ट्रेड करता है तब उसे हम बुलिश कहते हैं। उसके जब तक नीचे रहता है तो चार्ट इज बेयरिश। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फंडामेंटली स्टॉक वेरी वीक है। रिजल्ट में बहुत बड़ा स्पार्किंग कुछ नहीं है, फायरवर्क्स नहीं है। सो जब तक रिजल्ट नहीं सुधारते किसी भी स्टॉक में उतना बड़ा बाइंग नहीं आता। एक टाइम बहुत चला था 1800 से 3000, बट वहाँ से स्टॉक बहुत नीचे आ गया है। बट इंस्टेड ऑफ दैट स्टॉक इज लुकिंग एक्सपेंसिव क्योंकि इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो फिट नहीं बैठता, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है वो खराब हुआ है। एक टाइम था जब इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा था। सो इन चीज़ों को आपको ध्यान पे रखना। सो टेक्निकली स्टॉक इज नॉट स्ट्रांग एज वेल। अगर हम इस स्टॉक का पीयर्स कंपेयर करें, ऐसे ऐसे दो कंपनी PT Lite एंड SRF। PT Lite की इंडस्ट्री की रिजल्ट भी अच्छे थे। PT Lite इज अ वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक एज वेल, जो रिसेंटली बहुत नीचे भी फिसला था, 2200 तक चला गया था। सो दैट वाज द बाइंग जोन फॉर PT Lite। अगर आपने बाई किया तो अच्छा है। SRF भी 2400 है, ये भी 2000 तक स्लिप हो चुका था। सो SRF सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर एंड सबसे बेहतर स्टॉक है। जब भी आपको नीचे भी आपको बाई करना है, हालांकि अभी ये नीचे आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पर ना मुश्किल है, तो थोड़ा थोड़ा एकोमोडेट कर सकते हो। 3000 तक भी ये इसी नेक्स्ट दो क्वार्टर में ही जाएगा। PT Lite में भी अच्छा खासा फायरवर्क्स डेफिनेटली देखेंगे। तो दो कंपनी जो बेस्ट है, टॉप लाइन कंपनी है, इनके साथ ही आपको रहना है। अगर आप स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट के किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसी के साथ साथ आरती इंडस्ट्री, टाटा केमिकल जैसे कंपनीज भी है। टाटा केमिकल्स में मेरा फोकस एट दैट मोमेंट नहीं है क्योंकि उन्होंने लिथियम आयन बैटरी का जो प्लान था उसको पोस्टपोन कर दिया है। सो डेफिनेटली दो ही कंपनीज बचते हैं, SRF एंड PT Lite। अगर आप एक टेक्निकल फंडामेंटल एक्सपर्ट हो सो और भी स्टॉक आप देख सकते हो। अगर आप इस स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखो, रिजल्ट इज नॉट गुड। हालांकि सेल्स अच्छे है, 1872 करोड़ से बढ़ के 2058 करोड़ का सेल्स है, बट एक्सपेंसेस भी 1462 करोड़ से 1700 करोड़ तक जा चुका है, जिस कारण जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो 356 करोड़ है वर्सेस 410 करोड़। एज आई सेड, क्रूड का प्राइस का इंपैक्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने के कारण एक्सपेंसेस बढ़ा है, जिसके इंपैक्ट प्रॉफिट पर पड़ा है। अगर हम प्रॉफिट को टैक्स देखें, 315 करोड़ वर्सेस 362 करोड़, यानी प्रॉफिट भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरा है। एंड आफ्टर टैक्स 235 करोड़ जो कि 267 करोड़ था। एंड अगर हम इस स्टॉक के प्रीवियस रिजल्ट को देखें तो 300 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी ने प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। सो अगर ये जो रिजल्ट है कहीं कहीं 280 करोड़ तक भी जाता तब भी ये स्टॉक आज 2000 के ऊपर होता। बस निचले लेवल से स्टॉक में अच्छा खासा बाउंस बैक भी आया है, बट आई डोंट थिंक सो एनीबडी शुड बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो फंडामेंटली टेक्निकली जो स्टॉक अच्छे है उसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब हम देखते हैं स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न। जब है प्रोमोटर्स का 45.7% है, पब्लिक होल्डिंग 34.5%, FI 9.1% एंड
DII एंड अदर इंस्टीट्यूट को अगर मिला है तो ऑलमोस्ट 11% का स्टेक है। सो FII का स्टेक बहुत ज़्यादा नहीं है। सो एक टाइम था FII का बहुत ज़्यादा स्टेक था, इसने स्टॉक बढ़ा भी था, बट लास्ट फ्यू क्वार्टर में FII ने स्टेक को घटाया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक होल्डिंग जो है वो बढ़ा है, बट इसमें बड़े छोटे रिटेल इन्वेस्टर हैं एंड बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टर हैं जो ट्रैप है, बट जिनके पास बहुत कैपिटल होता है वो तो किसी और स्टॉक में हेजिंग कर फिर भी अपने लॉस को मेकअप कर सकते हैं। बट जो छोटे ट्रेडर इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए दीपक नाइट्रेट इज नॉट द बेस्ट स्टॉक एट दैट मोमेंट, क्योंकि एज आई सेड फंडामेंटल परफॉर्मेंस इज वेरी बैड, टेक्निकली भी बहुत बड़ा चेंज स्टॉक में नहीं आया। किसी कारण अगर बहुत नीचे आता है 1500 तक बिफोर द वेसल तब आप एक अटेम्प्ट ले सकते हो, बट जब तक रॉ मटेरियल कॉस्ट रिड्यूस नहीं होता परफॉर्मेंस में उतना बड़ा सुधार नहीं आएगा। आने वाले क्वार्टर में अगर मार्केट सुधारता है, बहुत परफॉर्मेंस सुधारता है, तो मैक्सिमम 2200 तक स्टॉक जाएगा। आई डोंट थिंक उससे पहले इस स्टॉक में बहुत बड़ा फायर होगा। आप देखेंगे ये स्टॉक के एनालिसिस वीडियो इन्फॉर्मेशन चलेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूले। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।